अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लॉ की डेफिनेशन, लॉ क्या होता है और लॉ बनता कैसे है, और लॉ के अंदर बनाने में हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में रहते हुए उस लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है और हम उसको लेकर कैसे चलते हैं। आज प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखेंगे और हम इसको वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे। आप लोग एलएलबी पार्ट वन में भी पढ़ते हैं, टू में भी पढ़ते हैं, थ्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये लॉ की डेफिनेशन तो आपकी जुडिशरी तक चलती है। इवन तो आप जज बन गए तो आपको लॉ नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं आता। हम यही देख रहे हैं कि व्हाट इज लॉ। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन्स। ये सॉवरन की कमांड है। किसकी? सॉवरन्स की। और कमांड का मतलब हुक्म लिखा हमने, और सॉवरन क्या कहा है? इक्तदारे आला। इक्तदारे आला की ये कमांड है और ये इन्फोर्स या बैक बाय सैंक्शंस। सैंक्शंस किसको कहते हैं? सजाओं के जरिए। ये भी ऑर्डर्स होते हैं लेकिन प्यूनिटिव ऑर्डर्स। क्या कहते हैं? प्यूनिटिव ऑर्डर्स। ठीक है, प्यूनिटिव ऑर्डर्स, पनिशमेंट वाले। ठीक है, अच्छा, प्यूनिटिव ऑर्डर्स के जरिए ये क्या किए जाते हैं? इन्फोर्स करवाए जाते हैं। जो कहता है कानून बनाऊंगा, जैसे अल्लाह कहता है कुरान मैंने बनाया और मैं इसकी हिफाजत भी करूंगा, वो कहता है बनाया भी मैंने है, इन्फोर्स भी मैं ही करवा। अब इन्फोर्स करवाने वाला तो अल्लाह की जात है। वो कहती इधर कर लोगे तो ठीक है। इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे नबी पैगंबर आए हैं, वो इंटरप्रेट करने के लिए आए ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन हम इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर हमने कहा इक्तदारे आला, तो वो सॉवरन्स हैं। अब मुल्क तीन इस पे चलता है, पिलर्स पे चलता है। किन पे चलता है? इन पिलर्स पे, पिलर्स ऑफ स्टेट। वो कौन से हैं? एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ये तीन पिलर्स हैं, मुल्क खड़ा ही इनके ऊपर होता है। ठीक है, अब ये जिसका काम उसी को साझे, इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। अगर किसी भी मुल्क में आप रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि ये तीन इदारे अपना काम अपनी जगह पे कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, एग्जेक्टिव इदारे अपने काम करें और जो है लेजिस्लेचर अपना काम करें। हमने कहा एग्जेक्टिव का काम क्या है? टू इन्फोर्स द लॉ, लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। तो कौन इंप्लीमेंट कराता है? आपकी जितनी भी बॉडीज हैं। कौन? अगर आप मुल्क के अंदर रहते हैं, आर्मी से लेकर आर्मी, नेवी सारे और पुलिस। ठीक है, जितने भी ये आपकी अथॉरिटीज हैं, वो उनका क्या काम है? इन्फोर्स करवाना। कानून बनाना इनका काम नहीं है। एग्जेक्टिव का काम कानून बनाना नहीं है। फिर जुडिशरी, जुडिशरी का काम है कानून जो हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना। क्या करना? लेजिस्लेशन करना। लेजिस्लेशन क्या होता है? कानून साजी करना। क्या करना? कानून साजी करना। लेजिस्लेशन हो जाती है तो फिर एग्जेक्टिव, वो जो मामला बनता है बिटवीन पर्सन, वो आप कहते हैं जी लॉ बन गया हुआ है। अब किसी बंदा उसकी इंफ्रिंजमेंट करता है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों जाते हैं? देखें, यहां पे आपको क्रिमिनल को, सिविल या क्रिमिनल को मैटर हो तो आप फौरन से पहले कोर्ट का रुजू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है, कानून के अंदर जुडिशरी बैठी हुई है, वो आपकी बात को सुनेगी, देखेगी कि आप सही कह रहे हैं या दूसरा सही कह रहा है, कौन गलत है, वो उसको इंटरप्रेट कर देगा कि ये बात क्या है, फैसला देगा। एक फैसला किसने देना है? जुडिशरी ने। किसने देना है? जुडिशरी ने। अब ये देखिए इस सिनेरियो के अंदर जुडिशरी ने फैसला देना है जस्टिस पे। किस पे? इंसाफ पे, जस्टिस पे। वो तकाजे पूरे करने, नो वन शुड बी कंडम, अनहर्ड वाली बातें हैं। ठीक है, वो एक्विटी वाली बातें हैं। एक्विटी किसे कहते हैं? बराबरी, मुसावात। वो सारी बातें किसने देखनी है? जुडिशरी ने देखकर फैसला करना है। ठीक है, अब हमारे यहां जुडिशरी एक नहीं, हमारे यहां जुडिशरी एक नहीं,
अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखते हैं कि इमरान खान साहब को एक क्या हुआ है, सजा हुई है। अब देखिए उस सजा हो जाना ये जिस जस्ट एक कोर्ट का काम है ना, एक एडिशनल सेशन जज अगर सजा दे दे, दैट इज नॉट फाइनल। सजा फाइनल होने के बाद उसको क्या सजा काटनी होती है। आप जरदारी साहब देखें तो 20 साल कैद में रहे, कितने साल, 20 साल ऑलमोस्ट, लेकिन वो बाइज्जत बरी हो गए। क्या हो गए? तो इट मींस कि वो सजा उसके ऊपर लागू नहीं हुई, वो ट्रायल चलते रहे, अपील चलती रही, अपील चलते चलते अपील का जब फैसला हुआ तो वो क्या हुआ, बरी हो गया। जब बरी हो गया तो फिर कोई लॉ उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अब कुछ हमारे दोस्त अहबाब इस चीज को बहुत सारी चीजों से जोड़ रहे हैं, जैसे हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम ये देख रहे हैं कि देखिए लॉ सजा कहते किसको है, उस वक्त जब वो फाइनलिटी अटेन करती है। फाइनलिटी अटेन कर करती है, देखे ना हमारे यहाँ कोर्ट्स क्या है, सिविल है, दूसरे साइड पे मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, फिर हमारे यहाँ एडिशनल एडिशनल सेशन जजेस हैं, ठीक है, एएसए, ये दोनों के बाद आता है, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एंड पे सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और बात भी है, सुप्रीम कोर्ट में लाइक अपील होती है, फिर रिव्यू भी होता है, फिर एक बात होती है पार्डन के लिए, तो वो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है। मीनिंग देखा यहां से अगर फैसला हो तो फैसले ने ऑटोमेटिकली चैलेंज होना है, भाई चैलेंज होना ना, कोर्ट्स इतनी क्यों बनाई हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, फिर पार्डन के लिए जाना है। अगर फाइनलिटी अटेन कर जाए, सजा क्या करे, फाइनलिटी अटेन कर जाए, तो देन क्या होता है, उसका इफेक्ट शुरू होते हैं। अब उसको हम क्या कह सकते हैं, ये सजा याफ्ता मुलजम है। और अगर आप देखिए कि एक बंदे को अभी एक कोर्ट ने सजा दी हो और उसको फौरन से पहले इलेक्शन कमीशन क्या करे, नाहल कर दे, भाई नाहली तब होती है हम लीगल पॉइंट जब वो सजा फाइनलिटी अटेन कर जाए। फाइनलिटी तो अटेन नहीं की, ठीक है, फिर जब भी कोई सजा होती है कानून के तहत, जब लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया हुआ है वो कानून के अंदर रहते हुए सजा होकर वो जो सजा सुनाई जानी, जजमेंट होनी है, वो इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड होनी है, वो कोर्ट में होगा तो सजा सुनाई जाएगी। हाँ, सजा अगर तो एक्स पार्टी है, बंदा है ही नहीं, तो वो सजा होती ही नहीं। तो यहां प्रेजेंट सिनेरियो में हम जिस बात को देख रहे हैं कि वो बाय लॉ कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बट एवर क्या हो रहा है, क्योंकि ये चैलेंज हो जाएगा, आज बना, आज सजा हुई, अब चैलेंज हो जाएगा, हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट में क्या फैसला आता है उसको देखा जाएगा, वो फेयर ट्रायल की तरफ जाएंगे, फेयर ट्रायल होता है कि नहीं होता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है, ये बात। अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों का काम क्या है। जब लेजिस्लेचर कानून बना देगा, अब राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो आपका आर्टिकल 10A है, दिया हुआ है ना, फेयर ट्रायल का मतलब है कि फेयरली काम करो। अब जब लेजिस्लेचर ने कानून साजी ही कर दी, कानून बन गया, CRPC बना हुआ है, उसके अंदर कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, एक सजा देनी है किसी को, कैसे देनी है, आपने पहले उसको क्या करना है, FIR होनी है, कॉपी सप्लाई होनी है, अक्यूज को बुलाना है, चार्ज फ्रेम होना है, फिर क्या होना है, आपका एविडेंस आएगी। और क्रिमिनल केसेस में जब भी बनाए जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसको साबित किया जाता है, और प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है साबित करना। हाँ, अगर अक्यूज को प्ली लेता है तो फिर वो उसको रिबट करता है, वो अपने गवाहान भी लाता है, तो प्रोसिक्यूशन उसको प्रॉपर देखेगी। ये हरी में नहीं है, ठीक है, जितना हरी करेंगे उतना काम खराब होता है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया वो कानून ठीक होता है, कानून गलत नहीं होता, फिर कानून बनाकर जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट करना होता है कि ये ठीक है नहीं ठीक, कहां पे क्या करना है, वो एक कानून पूरा बना होता है प्रोसीजर। तीसरी काम होता है एग्जेक्टिव, उनका काम होता है इनफोर्स करवाना, वो भी बाय लॉ जो ऑर्डर होंगे। अगर आप ये इसी सिनेरियो में देखूं
इमरान खान की जो सजा है वो सजा देकर उन्होंने कहा था इसको किस जेल में रखना है, जो पिंडी जेल है वहां पे, लेकिन उसको इसके बावजूद वो ऑर्डर कोई नहीं उन्होंने मानते, उसको अटक ले गए। भाई कानून के अंदर रहना है ना, जो कानून है ठीक है। खैर इसको हम तो बायलॉ चीजें देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों का काम क्या है, अपना अपना काम करना। वो ट्राइकॉमी इसी तरह इसीलिए बनाई जाती है, तो अगर ये होगा तो रूल ऑफ लॉ होगा। अब हमारा जहां आज टॉपिक है वो ये है कि कानून बनता कैसे है। कानून उसको लेजिस्लेशन कहते हैं, कानून साजी को क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन कहते हैं। अब लेजिस्लेशन क्या होती है और कैसे होती है, हमारे मुल्क के अंदर सर क्या है कि लेजिस्लेशन करने के लिए आप हम देखते हैं कुछ होते हैं ऑर्डिनेंसेस, क्या होते हैं ऑर्डिनेंसेस, और कुछ होते हैं एक्ट्स, ठीक है, एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस होते हैं, ठीक है। अब जो एक्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट से पास होते हैं, देन एक्ट बनता है। लेकिन ऑर्डिनेंसेस जो है ना, ऑर्डर, इसको ऑर्डर भी कहते हैं, जैसे कानून शायद ऑर्डर है वो ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। तो ये ऑर्डिनेंसेस दो तरह के होते हैं, दो तरह से प्रमुलगेट होते हैं। किस तरह से, एक प्रेसिडेंट और एक गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर्स की तरफ से होते हैं। प्रेसिडेंट की तरफ से जो होगा वो आर्टिकल 89 और गवर्नर की तरफ से 128, ठीक है, इनके तहत होता है ये ऑर्डिनेंस। और ये इमरजेंसी में ज्यादातर होते हैं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, इसलिए क्योंकि एक्ट बनाना एक लंबा प्रोसीजर है। तो हम अभी देखते हैं कि एक्ट कैसे बनते हैं, वो आर्टिकल 70-77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 1973, इसके तहत बनता है। क्या बनता है, एक्ट बनते हैं। अब देखिए एक्ट्स इस लॉ के तहत बनते हैं। अब तरीके का, ऑर्डिनेंस और एक्ट का जो लागू करने का तरीका है ना, वो फिर वही है कि ये दोनों बन गए तो ये लॉ बन गए। ऑर्डिनेंस आ गया तो वो भी लॉ है, और एक्ट बन गया वो भी लॉ है, ठीक है। तो एक्ट और ऑर्डिनेंस जब ये लॉ बन जाता है तो फिर इसको इंप्लीमेंट एग्जेक्टिव ने करवाना होता है। किसने करवाना होता है, एग्जेक्टिव ने करवाना होता है। अब जहां कहीं ओला है जब ये एम्फोर्स नहीं हो रहा या कुछ है, तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत आती है, तो फिर अब जुडिशरी आती है। तो जुडिशरी एक पूरा पिलर अलग से है, एग्जेक्टिव एक पिलर अलग से है, और लेजिस्लेचर अलग से है। अब लेजिस्लेशन करने कैसे है, सवाल ये है। अब देखिए ना, ये तो नहीं ना कि लेजिस्लेशन की हुई है, फैसला कोई हुआ उस लेजिस्लेशन के मुताबिक, तो जो बैठे थे इक्तदार में वो ये कहें कि नहीं जी फैसला तो हमारे मुखालिफों के हक में आ गया, तो हम ये लॉ चेंज कर दें, ठीक है। तो यहां पे हमारे मुल्क के अंदर अजल से, आज से नहीं हमेशा से ऐसे होता है कि जहां अपने लिए फायदे वाले लॉज हैं, अपना फायदा हो रहा तो ठीक है, किसी दूसरे को हो रहा तो लॉ चेंज कर दो, लॉ ही अपना ले आओ। तो कानून साजी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत अपोजिशन होती है और ट्रेजरी होती है। एक ट्रेजरी बेंचेस होते हैं जो गवर्नमेंट बेंचेस होते हैं, ट्रेजरी उसको कहते हैं, और ऑपोजिशन होती है जो मुखालफिन दूसरे नंबर पे जमात होती है। ऑपोजिशन लीडर भी आपने देखा होगा, और जो है आपका, अच्छा यहां पे ऑर्डिनेंस एक्ट। अब एक्ट बनाने के भी दो तरीके हैं, दो तरह के एक्ट होते हैं। एक तो है आम लॉ बनता है सारों पे के लिए, उसको तो जनरल लॉ कहेंगे ना, कौन सा लॉ कहेंगे, जनरल लॉ, ठीक है। और एक होता है फाइनेंशियल। अब इसको एक जनरल की जगह आप कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और एक होता है फाइनेंशियल बिल। क्योंकि जब भी ये पेश, इसको ओरिजिनेट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं जब कानून साजी करनी हो, तो हमारे यहां देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, पार्लियामेंट जिसको हम लाइक हम सॉवरन किसको कहेंगे, हमारे यहां पार्लियामेंट क्या होती है,
पार्लियामेंट हमारे यहाँ सॉवरन होती है। पार्लियामेंट किसको कहते हैं? उर्दू में पार्लियामेंट का हमारा नाम क्या है? मजलिसे शूरा। क्या है? मजलिसे शूरा। अब पार्लियामेंट इसकी डेफिनेशन आर्टिकल कौन से में है जी? 50 में के 51 में है, ठीक है, 50 में है। और 51 में क्या है इसका? नेशनल असेंबली किसमें है? 51। अब पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट है। नेशनल असेंबली कौन सा हाउस है? लोअर हाउस। और सेनेट क्या है? अपर। ये 59 आर्टिकल है। अब पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, बिल जो है वो पेश किया जाना है, ठीक है, कि जनाब ये जरूरत है इस वक्त, ये कानून होना चाहिए जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। तो वो कानून बनाने के लिए वो क्या करते हैं? वो एक बिल पेश करते हैं। क्या करते हैं? अब इस ये सारी बातों को जो मैं बता रहा हूँ, ये 70 to 77 है और रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 है हमारे पास, उनके तहत ये कानून बनाए जाते हैं। अच्छा, फिर जी जब बिल ओरिजिनेट हो जाता है किसी भी हाउस में, अब देखिए दो पर, एक ऑर्डिनरी और एक पार्लियामेंट। अब जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है, वो सेनेट में पहले पेश हो जाए तो सेनेट से 2/3 मेजोरिटी के साथ जब पास होता है तो फिर वो जाता है नेशनल असेंबली, और जब दोनों में हो जाए तो देन तीसरा पिलर हमारे पास जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो स्टेट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में? 7। अच्छा, अब हेड ऑफ स्टेट के बाद भेजा जाता है इसको अप्रूव कर, तो फिर वो अप्रूव करते हैं तो देन दैट बिकम एन एक्ट, वो लॉ बन गया, ठीक है। और अगर वो कहे कि ना 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 जनाब इसमें तो कोई रोड़ा है, वो वापस भेज देता है, वो जिस हाउस से आया तो उसमें जाता है और फिर दूसरे में जाता है, फिर इसी तरह पास पूस होते हुए फिर ऊपर जाता है। वो कुछ डेज होते हैं, 90 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर उन्होंने देखना होता है, 15 दिन उसने वापस भेजने के होते हैं, वो लिखे होते हैं। ये ऑर्डिनरी बिल है, ये ऑर्डिनरी बिल है ना। हाँ, 70-72 में, 70 में बताया हुआ बिल कैसे आता है, 71 में रिपील है, 2 में ये बताया, 73 में बताया हुआ है कि फाइनेंशियल बिल क्या होता है। फाइनेंशियल बिल वो होता है कि आप जितना भी ये देखते हैं ना, आपके आते हैं ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, आप तनख्वाहें देते हैं, बजट आता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजों को देखने के लिए एक बिल पेश किया जाता है, तो वो बिल होता है फाइनेंशियल बिल। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि ये ओरिजिनेट सिर्फ नेशनल असेंबली से हो सकता है, ये सेनेट से ओरिजिनेट नहीं होगा। कहां से होगा? नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा और फिर उसी तरह ये वोटिंग होगी और फिर सेनेट के पास जाएगा और फिर पास होके फिर जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा 14 डेज के अंदर। ये क्या है आपका बिल, किस तरह लेजिस्लेशन किस तरह होती है? अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं लॉ के और आप पेपर देने के या किसी चीज के भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेजिस्लेशन की भी दो काइंड्स होती हैं। क्या काइंड्स होती है लेजिस्लेशन की? एक होती है सुपीरियर लेजिस्लेशन, ठीक है, सुपीरियर लेजिस्लेशन, और एक होती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। जो आपकी पार्लियामेंट लॉज पास करती है वो कानून सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, वो सुपीरियर है, सुप्रीम है, ठीक है, वो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, और एक होती है सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट से मुराद ये होती है कि आप सूबे में तो आपके कानून बनाते हैं, ठीक है, अब उसी के अंदर सूबों के अंदर वो एक क्या कर देते हैं, एक बॉडीज बना देते हैं, मतलब म्यूनिसिपल लॉज बन जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अपने लॉ बना लेते हैं, तो वो आगे डेलीगेटेड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एक सुप्रीम कह रहे हैं, सबऑर्डिनेट कह रहे हैं। सबऑर्डिनेट को अगर हम तकसीम करें, उसने कहा डेलीगेटेड, ठीक है, डेलीगेटेड, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सुप्रीम के साथ, दूसरी डेलीगेटेड, वो पार डेलीगेट की होती है कि जनाब ये बंदा फला बंदा इसको कानून साजी कर सकता है, फिर वो जो कानून बनाए जाएंगे वो अपने कानून के तहत चलते हैं। यूनिवर्सिटी का ये कानून है, इस यूनिवर्सिटी का ये कानून है, इस यूनिवर्सिटी का ये कानून है। तो ये लेजिस्लेशन के ऊपर हमने कहा कि लेजिस्लेशन ये होती है,
जुडिशरी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जुडिशरी का क्या रोल है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा बहुत देखा है इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।